जो है ना वो प्रोफाइल ऐसी है वो, क्योंकि वो सिर्फ उनकी लोकल वो जैसे कहते हैं ना रिप्यूट नहीं होती, इंटरनेशनल रिप्यूट होती है वहाँ पर कम ऐसा। नोवल नोटिस दुनिया में एक ही है जो इस तरह काम करती है। अब वो अगर कहें कि नहीं हमें तो पिक्चर देखेंगे कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है, कौन गोरा है किसकी स्किन मेरे जैसी है, वो कुछ कुछ कंपनीज की जो है ना वो प्रोफाइल ऐसी है वो, क्योंकि वो सिर्फ उनकी लोकल वो जैसे कहते हैं ना रिप्यूट नहीं होती, इंटरनेशनल रिप्यूट होती है वहाँ पर कम ऐसा। नोवल नोटिस दुनिया में एक ही है जो इस तरह काम करती है। अब वो अगर कहें कि नहीं हमें तो पिक्चर देखेंगे कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है, कौन गोरा है किसकी स्किन मेरे जैसी है किसकी काली है, तो ये वो, तो वो पहले कह देते हैं कि नहीं हमें इसकी जरूरत नहीं है, उन्होंने आपकी स्किल्स देखनी होती हैं, उन्होंने आपका वो चेहरा नहीं देखना होता। आपका जो है वो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन लाजमी होनी चाहिए। ये मुझे इसलिए याद रहेगी बात कि जब मैं नया नया आया तो हमने कहा यार और जॉब करनी है तो चलो जो है ना ऐसे ही चले जाते हैं यार आपके पास जॉब, और शुरू में दो चार दिन गए तो किसी जॉब नहीं थी। मैं हमेशा इंडियंस को बड़ा एडवाइस करता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि वो हमारे जैसे ही हैं, बट हमसे आगे क्यों है आई डोंट नो, शायद यहाँ पे भी हमारे इंडियंस बैठे हो, वो हमसे आगे क्यों है क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों में बड़े प्रोफेशनल हैं, ठीक है ना। उन्होंने अगर अमरूद की रेडी भी लगानी है ना तो उसमें भी बड़ा प्रोफेशनल है। मैं जगह पे ना ये मेन स्टेशन पे एक सेंटर स्टेशन पे एक जो है वो पिज़्ज़े वाली शॉप है, वो ऐसे कॉर्नर सी वाली पता नहीं उसका क्या नाम है, मैं वहाँ पे चला गया तो वो उसकी जो ना ऑनर थी ना वो इंडियन थे, तो मैं उसके पास गया मैंने कहा जॉब वो तो मुझे बताना कहती है तो नहीं है तुम्हारे पास सी वी है, मैंने उसको कहा कि इस काम के लिए तुमने सी वी क्या करना है, हो सकता है तुम मुझसे बर्तन धुलवा, हो सकता तो मुझे बेटी का काम करवा दो, कहती नहीं मेरे पास आज जॉब नहीं है, हो सकता है मेरे पास कल हो, मैं तुम्हें कहाँ पर ढूंढूंगी, तो तुम एक अपनी वो पहला दिन था मैंने यहाँ से सीवी अपना जो है ना ये सारा प्रिपरेशन सीवी कार्ड के था, उसने कहा मैं सीवी में क्या लिखूँ मैं अपना अपना नहीं, तुमने सिर्फ लिखना कि ये तुम्हारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है तुम यहाँ पर रहते हो ये जी जी, उसने मुझे वो मत दी, फिर मैं सीवी जो है ना वो लेके गया उसको दो चार पाँच दिन वाली जॉब में। क्या उसका मकसद यह कि सीवी के ऊपर आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिसको आप अगर आपने ई मेल लिखी है जिसे आप चेक करते हो, फ़ोन आपका जो है वो होना चाहिए जो आपके पास हो, यानी ये नहीं कि जो है वो बंद पड़ा हो, तो ये सबसे पहले। और दूसरी बात यह है कि आपके सीवी के कंटेंट जो है वो बड़े कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए, उसमें वो जैसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान में जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो वो हमारे प्रोफेसर हैं वो देखते हैं किसने कितना लंबा लिखा है और उस हिसाब से मार्क्स देते हैं, हमने उसको ना बिल्कुल प्रिसाइज करना है, आपने टू दी पॉइंट एक लाइन में लिख सकते हैं दो लाइन में लिख सकते हैं, आपने जितनी भी जॉब्स की और आप कोशिश करें आपका सीवी डेढ़ से दो सफ़े से ज़्यादा आगे ना जाए, क्योंकि जो एम्प्लॉय होता है ना मैं भी इस प्रोसेस में रहा हूँ सीवी को थोड़ा सा स्कैन करने में, एक एम्प्लॉयर के पास हार्डली आपका सीवी उसको गो थ्रू करने के ना 10 से 15 सेकंड होते हैं, आप कह रहे लेस देन ए मिनट होता है, वो एक मिनट में आपकी पूरी स्टोरी नहीं पढ़ सकता, उसे नहीं पता आप, उसे इस बात से कोई गरज नहीं है कि आपने फलां जगह पे भी जो है वो ऑपरेशन किया था, फलां जगह पे भी आपने नेटवर्किंग की है, नहीं उसे आपकी स्किल्स क्या है प्राइमरीली आपकी स्किल्स, तो वो चीज़ें आप ना कोशिश करें कि आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। और सीवी का जो है ना अब तो बड़ा वो एआई रिलेटेड टूल्स आ गए हैं, और अब यहाँ पे चीज है कि हम कहते थे यार अगर हम वो सीवी को जिस तरह मैं ये नेगेटिव से बात नहीं करने लगा मगर जिस तरह हमारी पाकिस्तान की लड़कियों को होता है कि वो हर चीज़ को बड़ा खूबसूरत बनाती हैं, उन्होंने एग्जाम भी देना होता है तो जो 10 सवाल लिखने होते हैं उन सवालों के जवाब कम होते हैं, साइडों पे फूल पत्ते ज्यादा बनाए होते हैं ताकि अच्छा लगे, हकीकत है बिकॉज वी हैव बीन टू इन दिस प्रोसेस, हम को एजुकेशन में पढ़े हैं हम देखते थे, फिर हम मैं पेपर चेक भी करता था कभी टीचर कह देते थे, तो ये चीज बुरी नहीं है, सीवी में ये चीज भी अच्छी होती है कि आपकी सीवी की प्रेजेंटेशन कैसी है, ठीक है आपने सिर्फ टेक्स्ट लिख के जान नहीं छुड़ा लेनी, तो आप ये कोशिश करें कि आपकी सीवी, और अब तो ये है कि
आपकी जो AI टूल्स हैं, या आप अगर ऑनलाइन देखें तो आपको बहुत सारे फ्री फ्रीलांसर्स मिल जाते हैं जो आपको बताते हैं कि किस जॉब के लिए आपकी सीवी कैसी होनी चाहिए। और आप बात कर रहे थे कि आपने मतलब 3-4 सीवीज बनाई हुई हैं, बड़ी अच्छी बात है, मगर हम ये कहते हैं कि आपको कोई भी, मैं भी कभी कभी ऐसे ही करता हूँ कि जॉब आई, वही सीवी इधर से निकाला, वही निकाला, ऊपर एम्प्लॉयर का नेम चेंज किया, डेट चेंज की और ठीक है वो डाल दिया। मगर कहते हैं कि जब आपने जॉब अप्लाई करनी है ना, तो आप उस जॉब को टाइम दें, ठीक है, सबसे पहले आप उसकी डिस्क्रिप्शन देखें कि उसमें लिखा क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। हो सकता है वो सारी चीज़ें आपको आती हो सकता है वो आपने सीवी में लिखी हो मगर इनडायरेक्ट लिखी हो, आपकी जॉब एप्लीकेशन में लिखी हो, इनडायरेक्ट लिखी हो, आप उसको टाइम लगाएं, देखें कि यार ये बंदा क्या, आप उसको हाईलाइट करें, क्योंकि वही जो थोड़ा सा एक लेस देन ए मिनट का वो जो टाइम होता है ना उनके पास, उन्होंने वो चीज़ें ही देखनी होती हैं, मैंने क्या क्रिकेट खेली, मैंने क्या इतने स्कोर किए, गोल किए, वो बाद में देखते हैं। और ये चीज़ बड़ी मैटर करती है, आपने ये चीज़ भी नहीं छोड़नी, क्योंकि ये लोग सिर्फ ये नहीं कहते हमें वो किताबी कीड़े नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो वेल बैलेंस्ड हो अपनी लाइफ में, ठीक है। जब हम मार्केट में आते हैं, आप देखेंगे कि ये हर हफ्ते पार्टी भी कर रहे होंगे, ठीक है, ऑफिस में जो है इस तरह का कल्चर होगा जिसमें वो आपसे काम नहीं करवाएंगे, वो बल्कि आपसे आपको एक ऐसा माहौल देंगे जिसमें आप अपनी जो है ना वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या जो आप में और फनकारी हैं आप उसको भी बाहर निकालें, वो आपको पूरा टाइम दे, आप वो भी मैंशन करें, क्योंकि नहीं पता होता कि यार ये बंदा अपनी लाइफ को किस तरह मैनेज कर सकता है। मगर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपने कोशिश करनी है कि आपकी सीवी प्रिसाइज हो, और कोई भी जॉब आती है आप उस जॉब के मुताबिक अपनी एप्लीकेशन को और अपनी सीवी को है वो करें, और वो मेरी तरह ना करें कि बस नाम ऊपर से लिखा, कंपनी का नाम लिखा ऊपर, पहली सीवी में मैंने लिखा था उन्हें कंसल्टेंट चाहिए, दूसरी में सीनियर कंसल्टेंट चाहिए, तो मैंने कंसल्टेंट से सीनियर कंसल्टेंट कर लिया, मगर मैंने ये बताना भूल गया कि वो जो उन्होंने मांगा है वो मेरे में क्वालिटी है, सीनियर कंसल्टेंट है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, और यही चीज़ें आपको वो जिसे कहती हैं ना डिस्टिंक्ट करती हैं लोगों से कि आप क्यों बेहतर हैं। तो यहाँ पे जिन जिन लोगों को भी जो प्रोफेशन में हैं, जिनको जॉब की कॉल्स आई हैं, जिन्होंने इंटरव्यू दी है, सबसे पहला और सबसे मुश्किल बैरियर ही यही है कि आपका सीवी आपका बैरियर ब्रेकर है, वो पहुँच गया ना, ख़त्म बात। फिर आप वही बात अभी हम कर भी रहे थे कि आपने बड़े आराम से कॉन्फिडेंस से आपने बताना है आपकी स्किल्स के हैं, आप किस तरह बात कर सकते हैं, और पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, हमारे कॉन्टिनेंट में ये होता है कि वो हमें एग्जाम की कापियाँ पकड़ा देते हैं, टेक्निक यहाँ पे भी होते हैं, डिपेंड करता है किस जॉब के लिए आप जा रहे हैं, मगर ये बहुत कम होता है। मगर यहाँ पे जब वो जॉब के बाद आपको एक डिफरेंट तरह का वो होता है क्वेश्चन या जिसमें आपकी वो पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं, वो उनका उसके ऊपर बड़ा फोकस होता है, अगर आप उसमें मार खा गए ना और वो आपको मरवा सकता है। दूसरे टेस्ट क्योंकि पर्सनैलिटी में उन्होंने देखना है आपके पास चैलेंज आएगा, आप क्या करेंगे, आपके पास ये सिचुएशन होगी आप क्या करेंगे, आप किस तरह वहां से निकलेंगे, कंपनीज ने ये देखना होता है ना कि आपके पास अच्छे कस्टमर भी हैं, अच्छे वक्त भी हैं, बुरे वक्त भी हैं, बुरे कस्टमर भी हैं, आप में इतनी एबिलिटी है, इतनी कैपेबिलिटी है कि आप उस चीज को मैनेज करेंगे, उस चीज को लेके चलेंगे। तो ये चीजें है ना, तो सीवी शॉर्ट प्रिसाइज अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन, दैट्स इट। और वही बात के सीवी में हर तरह की चीजें रखें, मगर कोशिश करें कि जो टू द पॉइंट उसके मुताबिक हो। अगर आपने लिखा है कि पिछली जॉब में आप ये करते थे, वो आपकी जो या हाफ पेज ले रहे हैं, आप उसे कोशिश करें कि आप उसे 2-3 बुलेट पॉइंट में खत्म करके प्रिसाइज और खत्म, ये चीजें आपको काफी आगे लेके जाएंगी।